हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो बनाने वाले हैं ड्रोन जैसा का, जिसके लिए हमने ये जनरेटर वाली मोटर आती है, हम इसे ड्रोन की मोटर बनाएंगे आज, जिसके लिए हम देख सकते हो गाइस हमने ये मोटर ले ली है, आपको दिखा देता हूँ। और ये बजर आता है गाइस, ये बजर का मैंने आगे वाला हिस्सा होता है इसको ले लिया है। तो गाइस चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो के लिए मैंने गाइस बहुत मेहनत करूंगा मैं अपनी तरफ से। तो देख सकते हो गाइस इसको मैंने कुछ इस तरह ले लिया है। तो गाइस मैं इसमें अब ये दोनों तारों को कनेक्शन कर रहा हूँ, जब तक आप वीडियो पे ऐसे ही बने रहिए। तो गाइस देख सकते हो मैंने इसके अच्छी तरीके से तार लगा लिया, मैं दिखा देता हूँ आपको फोकस करके। तो देख सकते हो दोस्तों इसके अब मैं इसमें प्रोपेलर लगाने वाला हूँ, ये देख सकते हो ड्रोन वाला प्रोपेलर हम इसमें लगाने वाले। तो दोस्तों वीडियो को आपने लाइक शेयर नहीं करा हो तो कर दीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हो हमने बजर लिया था, इसके अंदर हमें दोनों तारों को इसके अंदर इस तरह कुछ लगा देना होगा, फिर इसको हमें इसमें इस तरह सेट करके इधर थोड़ी सी फेविक्यूब की मदद से इसे टाइट करना होगा। तो मैं इधर से इसे फेविक्यूब की मदद से टाइट कर रहा हूँ दोस्तों। तो गाइस देख सकते हो मैं इसमें अब फेविक्यूब पटकने वाला हूँ अच्छी तरीके से, इस तरह मैंने इसके चारों ओर पटक देनी होगी हमें। तो दोस्तों ये चिपक चुकी है, इसे 5 मिनट के लिए हम चिपकने के लिए छोड़ देते हैं अब। तो दोस्तों इसे अब 5 मिनट हो चुकी है, देख सकते हो ये हल नहीं रही है। तो गाइस जब इसका हम कनेक्शन करेंगे, तो जिसके लिए हमने देख सकते हो ये इसका ब्लूटूथ का मॉड्यूल का वो कवर बॉडी आती है, उसकी मदद से हम इसमें वो करेंगे इसकी वायरिंग। तो देख सकते हो दोस्तों इसमें हमने 2 छेद कर लिए है इधर की तरफ, मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा फोकस करके। तो देख सकते हो ये, और इसमें हम तारों को ऐसे रख देना होगा। तो दोस्तों इसे भी हमें ग्लूकोल की सहायता से इधर चिपकाना होगा या फेविक्यूब की मदद से। तो दोस्तों मैं इसे अब, तो देख सकते हो अब इसको फेविक्यूब की मदद से इधर चिपका रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। तो गाइस दोबारा हम इसे अब फेविक्यूब से चिपकाएंगे, तो इधर हमें थोड़ी सी फेविक्यूब पटकनी होगी इसके ऊपर। तो देख सकते हो मैंने फेविक्यूब पटक दी है, और इसे कुछ इस तरह हमें टाइट टाटना होगा 5 मिनट के लिए, इसे भी हमें सूखने देना होगा अब। तो गाइज अब हमारा ये बन के तैयार हो चुका है, 5 मिनट से सूखने को हो चुके हैं। तो गाइज हम इसमें प्रोपेलर को कनेक्ट कर रहे हैं अब, देख सकते हो आप। गाइज वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक वीडियो बनाने में गाइज अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है। तो इसका हम अब ये 2 तार निकले थे, इनमें हमें कनेक्शन जोड़ देना होगा, तो मैं कनेक्शन जोड़ देता हूँ इसमें अब। तो गाइज अब इसकी हम टेस्टिंग करने वाले, हमने इसमें चार्जर की मदद से केबल जोड़ दी है, देख सकते हो आप। अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे, तो हमने स्टैंड लगा दिया है, मैं अब इसमें करंट देने वाला हूँ आपको, इसका आवाज़ और RPM सुनना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसकी अब टेस्टिंग कर रहा हूँ। ये गाइज मैंने अब इसके तार लगा दिए, देख सकते हो अब तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को